हमारा पटवारी जी हमारे यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब है, हमारे रेवेन्यू अथॉरिटी, जो लॉस इमीडिएट हुआ है और जो हिमाचल सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इस आपदा के टाइम पे जो स्पेशल रिलीफ का प्रोविजन किया गया है उसके तहत सभी को मुआवजा देने के लिए भी हम प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी जो हमारे क्लेम्स हैं उनको हम प्रोसेस कर देंगे। सभी प्रशासन के साथ हमारे पूर्व में विधायक रहे श्री कृष्ण जी हमारे साथ थे, साथ में हमारे पुलिस और प्रशासन की सारी टीम यहाँ पे थी। ये हमारी खतबाड़ गांव, हमें कुछ दिन पहले मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ही इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली थी और उससे पहले रेवेन्यू अथॉरिटीज को भी इसके बारे में अज्ञात था। तो आज उसी को हम स्पॉट विजिट करने आया था, ये गांव की जो स्लाइडिंग हो रही है और इसका क्या कारण है और इसके कई तरह के, आज हमारे यहाँ पे विस्तृत तरीके से सभी लोगों से बात भी हुई, हमारी पंचायत बॉडी भी यहाँ थी, यहाँ के लोग भी यहाँ पे हैं, घरों में दरारें आई हैं। तो आज विशेष करके उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर ने हमें भी यहाँ पे निरीक्षण के लिए भेजा था, जिसकी की रिपोर्ट हम जरूर बना के भेजेंगे। पर प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि यहाँ पे शायद एवैक्यूएशन की हमें जरूरत पड़े, क्योंकि ये घर जो है स्लाइड तो हो रहे हैं, इस बार बारिश आने के कारण तो हो ही रहे हैं स्लाइड, पर जैसे आप लोगों से बात करके पता लगा कि ये 15-20 सालों से ही ये कारवां जो है धीरे धीरे चला हुआ है, पर इस बारिश से ऐसा हुआ है कि ये थोड़ा एक्सेलरेट हो गया है और खतरा बिल्कुल ही मतलब गले तक पानी आ गया है। तो इसके लिए अब हम ये इलीगल डंपिंग की भी बात यहाँ पे लोगों ने की, उसके लिए भी मैंने माइनिंग ऑफिसर साहब को विस्तृत रिपोर्ट के लिए बोल दिया है।